हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धिस वर्ल्ड। आज हम तीन तरह के लच्छा पराठा बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम आटा रेडी करेंगे, इसलिए हमने आटा छान लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें मोइन के लिए देसी घी ऐड करेंगे और फिर देसी घी को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। घी अच्छे से आटे में मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। आटा ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। हमारा आटा अब लगकर रेडी है। अब हम इसे 5-10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब पराठों के लिए मसाले की तैयारी करेंगे, जिसमें 1 चम्मच हमने अजवाइन ली है, 1 चम्मच चाट मसाला लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी लिया है और साथ में कस्तूरी मेथी और एक प्याली में थोड़ा सा देसी घी लिया है। अब हम आटे में से 1 लोई लेके इसे अच्छी तरीके से बेल लेंगे और गैस पर हमने तवे को रख दिया है गर्म होने के लिए और रोटी के ऊपर हम चारों तरफ अच्छे से देसी घी लगाएंगे और उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आनी चाहिए और इसे हल्के हाथों से प्रेस करें, ज़्यादा जोर से ना दबाएं। और इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, इसके एक एंड को हम पकड़ लेंगे हाथ में और घुमाएंगे, उस एंड को छोड़ना नहीं है फर्स्ट एंड को, और सेकंड एंड को घुमाकर उसके सेंटर में डाल देंगे और हल्के हाथ से इसे दबाएंगे और फिर थोड़ा सा सूखा आटा लेकर इस पर लगाकर इसे अच्छे से बेल लेंगे। इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और हल्के हाथों से ही बेलना है, ज़्यादा जोर से बेलोगे तो इसकी लेयर्स खुलकर नहीं निकलेंगी बाद में। हमने पराठे को अच्छे से बेल लिया है और इसे अब हम नॉनस्टिक तवे पर
और उसके चारों तरफ देसी घी लगा लेंगे। और फिर जो मसाला तैयार किया था परांठों के लिए वो इस रोटी के चारों ओर स्प्रिंकल करना है। और जैसे पहले परांठे में परांठे को फोल्ड किया था वैसे ही अब इसमें वैसे ही फोल्ड करना है, वही हल्के हाथों से धीरे धीरे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आनी चाहिए। और इसे चारों तरफ से प्रेस करके फर्स्ट एंड को पकड़ेंगे और इसे रोल करेंगे और इसके सेकेंड एंड को अब जहाँ पे हमने उंगली से दबा रखा है उसमें इंसर्ट कर देंगे और इसको चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे, हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और अच्छे से इसे बेल लेंगे। हमारा परांठा अच्छे से बेल चुका है, हमने इसके चारों कॉर्नर्स को एक जैसा बेलना है। अब इसे रेडी है, इसे तवे पे डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे सिकने देंगे। हमारे परांठे की एक साइड सिक चुकी है, अब इस पर देसी घी लगाएंगे और जैसे दूसरी साइड सिक जाएगी उसे पलटेंगे और उस पर भी घी लगाएंगे। परांठे को मीडियम फ्लेम पे ही सेकें, नहीं तो ये इसकी लेयर्स अंदर से नहीं सिक पाएंगी और वो खुलेंगी भी नहीं। आप देखिए इसकी लेयर्स कैसे ओपन हो गई हैं, इसे हल्के हाथों से प्रेस करते रहिए। और ये है हमारा सेकंड लच्छा मसाला पराठा। अब हम तीसरी टाइप के पराठे की तैयारी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले रोटी बेलेंगे और उसके ऊपर देसी घी लगाएंगे और फिर जो मसाला है पराठों वाला वो इस पर स्प्रिंकल करेंगे। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है थर्ड वाला वो है कसूरी मेथी, वो हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे। मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमने स्प्रिंकल कर ली है मेथी और अब इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने का वही तरीका है, एक फोल्ड के ऊपर दूसरा फोल्ड और इसे अच्छे से हल्के हाथ से दबाएंगे और इसके फर्स्ट एंड को हम अपने हाथ से पकड़ लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे और इसके सेकंड एंड को उसमें डाल देंगे और हल्के हाथ से इसे प्रेस करेंगे। फिर सूखा आटा लगाकर हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है, अभी इस पर तवे पे डाल देंगे और इसे सिकने दें। अब पराठे की